तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप यू गाइस आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क ईवी का, जिसमें कि आपके पूछे गए ईवी से रिलेटेड हम सभी सवालों के आंसर देते हैं। साथ ही साथ ईवी अपडेट्स भी हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले न्यूज अपडेट की बात करें तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। अभी तक जितने भी लोग दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय करते थे उनको 5000 पर किलोवाट के अकॉर्डिंग सब्सिडी दी जाती थी। जैसे कि ओला S1 प्रो पर ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज की सब्सिडी मिलती है, बजाज चेतक पर 15,000 रुपीज की सब्सिडी। वो सब्सिडी पिछले एक साल से किसी भी कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जा रही है, लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी कस्टमर की सब्सिडी रुकी हुई है वो उनके अकाउंट में धीरे धीरे करके ये सब्सिडी ट्रांसफर करेगी। नेक्स्ट, अभी तक ईवी व्हीकल पर दिल्ली में रोड टैक्स नहीं लगता था, उसको सरकार नई ईवी पॉलिसी में, यानी कि अब 2024 की नई ईवी पॉलिसी आने वाली है, उसमें मेंटेन करके रखने वाली है। और लास्ट, दिल्ली सरकार अब अपने इस ईवी पॉलिसी की कंटिन्यू करेगी मार्च 2025 तक। जी हां दोस्तों, यहां पर नई ईवी पॉलिसी आने वाली है दिल्ली के लिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अलग से दी जाती है, जिसमें कि अब कंपनी, मुझे लगता है कि ये सेम जो भी अभी 5000 पर किलोवाट के अकॉर्डिंग रखी हुई है वही सेम पॉलिसी रहने वाली है, जो कि काफी अच्छी बात है। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी आपको किसी और स्टेट में देखने को नहीं मिलती जितने की सिर्फ दिल्ली में मिलती है। नाउ अब कुछ ऑफर एंड डिस्काउंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक पर काफी जबरदस्त डिस्काउंट देखने को आपको मिल रहा होगा। ओला S1 X2 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले मॉडल पर ये स्कूटर डायरेक्ट 50,000 रुपीज की प्राइस में आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इतना सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको किसी और कंपनी का तो नहीं मिलने वाला, बट इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है। वैसे इसकी और भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक फुल डिटेल में वीडियो किया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट करना। बाकी ये स्कूटर बहुत ही कम क्वांटिटी में कंपनी हर रोज मतलब सेल के ये उतारती है, उसके बाद में फिर से इसकी जो प्राइस है वो 70,000 रुपीज हो जाती है। कभी कभी ये सेल में आपको देखने को मिलेगा, तो कंपनी यहाँ पर यही बोल रही है कि जाओ इनकी वेबसाइट पर बैठे रहो, जैसे ही ये 50,000 रुपीज में होगा तो आप ग्रैब कर लेना है। वैसे ये 70,000 रुपीज के प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप में से किसी कस्टमर को ये मिला है तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी जब मैं इसको बाय करने का ट्राई कर रहा था तो ये 70,000 रुपीज में ही मुझे दिख रहा था। वहीं अब ये स्कूटर बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया है, यानी कि ऑन रोड आते आते ये स्कूटर 65,000 रुपीज तक पहुंच गया है, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। अब ओला इलेक्ट्रिक कंपनी रोड टैक्स बहुत ही ज्यादा ले रही है, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, हैंडलिंग चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। यानी कि इंश्योरेंस बाहर से भी अपलोड कर सकते हैं, बट उसका कुछ प्रोसेस ना टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए बाहर से अपलोड नहीं हो पाता। जबकि आज से 2 साल पहले रोड टैक्स, हैंडलिंग चार्ज वगैरह बिल्कुल ही ना के बराबर थे, यानी कि 1800-2000 रुपए में सब कुछ हो जाता था। इसी तरीके से ओला S1 एयर एंड ओला S1 एक्स प्लस पर भी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब ओला इलेक्ट्रिक इतने हार्ड स्टेप इसलिए उठा रही है क्योंकि कंपनी को अपनी सेल को इंक्रीज करना है। और लास्ट मंथ जैसे कि आप सभी को पता है कि इनकी सेल काफी ज्यादा डाउन हुई थी, और बजाज चेतक जैसी कंपनियां ऊपर आ रही हैं धीरे धीरे करके, तो कंपनी को यहाँ पर डर है कि बजाज चेतक इनको बीट ना कर दें। और वहीं कंपनी की इतनी बेकार सर्विस के चलते यहाँ पर कंपनी ने अपनी हाइपर सर्विस को स्टार्ट किया था, जो कि एक्टिव नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हुई है। अभी भी हर जगह ओला सर्विस सेंटर के बहुत ही बुरे हाल हैं, और हर जगह से कहीं ना कहीं से वीडियो वगैरह आती रहती है, और मेरे कमेंट बॉक्स में भी काफी ज्यादा कमेंट भरे रहते हैं कि इनकी सर्विस बिल्कुल ही बेकार है। तो यहाँ पर कंपनी को अपनी सर्विस से ज्यादा प्रोडक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो प्रोडक्ट ठीक से बनाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो सर्विस सेंटर जाना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, सिंपल एनर्जी के अपडेट की बात करें तो सिंपल वन ने अगस्त महीने में से पहले अपने शोरूम ओपन करने की बात कही थी, जो कि ये आते आते अब अक्टूबर तक इन्होंने ले आए हैं, यानी कि अक्टूबर में इन्होंने अपने कंप्लीट 6 शोरूम ओपन कर दिए हैं। अब ये सभी शोरूम लास्ट मंथ से ओपन किए जा रहे हैं, बाकी ग्राउंड लेवल पर ये शोरूम वर्किंग है नहीं है ये तो वहां की जनता को ही पता होगा जहां पर ये शोरूम ओपन हुए हैं। लेकिन रोड पर इतने ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी देखने को नहीं मिल रहे सिंपल वन के, और अभी तक इन्होंने फेज 1 को ही कंप्लीट किया है, जबकि फेज 2 और फेज 3 वगैरह अभी रहते हैं, जिसमें कि नॉर्थ साइड की काफी सारी सिटीज हैं। हालांकि सिंपल एनर्जी के स्कूटर इतने ज्यादा सेल तो नहीं होते, बट कंपनी अपने कस्टमर के लिए 20 अक्टूबर तक एक काफी धमाकेदार ऑफर लेकर आई है, जिसमें कि इन्होंने अपनी मोटर पर 8 ईयर की बैटरी वारंटी फ्री में देने का वादा किया है, जो कि सच में काफी बड़ा डिस्काउंट है। बाकी ये ऑफर आपको सिर्फ 20 अक्टूबर तक ही देखने को मिलेगा, इसके बाद में कंपनी इसको पेड कर देगी। बाकी देखते हैं कि पेड कितने रुपए में ये मिलता है, कितने में नहीं, क्योंकि इनका स्कूटर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा महंगा है। ऑन रोड आते आते ये 1,80,000 या 90,000 तक पहुंच जाता है। वैसे मुझे इस कंपनी से इतनी ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि कंपनी हर बार कुछ ना कुछ बोलती है और फिर लास्ट में उसको पूरा नहीं कर पाती है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि लास्ट मंथ की जो ईवी सेल रिपोर्ट आई थी उसमें आपने देखा होगा कि जो TVS कंपनी है उसकी सेल काफी ज्यादा डाउन हुई थी, वो सेकंड पोजीशन से यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर पहुंच गई थी। तो उन्होंने भी अब अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल को इंक्रीज करने के लिए कुछ कुछ
डिस्काउंट एंड ऑफर चलाए हैं। वैसे तो कंपनी के पास में टोटल 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, बट जो डिस्काउंट और ऑफर अगर आपको मिलेंगे वो सिर्फ 3 स्कूटर पर ही दिए जा रहे हैं। फर्स्ट टीवीएस आईक्यूब 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले मॉडल पर 12,300 रुपए का कैशबैक मिल रहा है, जिसके बाद में ये स्कूटर सिर्फ 90,000 रुपीज का हो जाएगा। नेक्स्ट टीवीएस आईक्यूब एस पर 5 ईयर और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में दी जा रही है, जबकि इसकी प्राइस सेम रहेगी। नेक्स्ट टीवीएस आईक्यूब 3.4 किलोवाट आवर बैटरी वाले मॉडल पर 5,000 रुपीज का कैशबैक मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट डिस्काउंट मुझे यहाँ पर 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले मॉडल पर लगा है। हालांकि ओनर बताते हैं इसकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी ये अभी नहीं पता। नेक्स्ट दोस्तों, किया ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार EV9 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस है 1,30,00,000 रुपीज। नेक्स्ट BMW की एक और प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक C02 इंडिया में लॉन्च हो गई है, जिसकी प्राइस है 4,20,00,000 रुपीज। तो ये तो हो गई दोस्तों इस हफ्ते की आपकी ईवी न्यूज। नाउ अब आ जाते हैं आपके पूछे गए सवालों पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर पूछा है सर्विस मस्ट प्रॉपर भावेश जी, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व करो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी सर्विस अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है और काफी सारे कमेंट इस तरीके के मेरे कमेंट बॉक्स में भरे रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट ले लेते हैं, प्राइस नॉट चेंज 75,000। तो हाँ, कहीं कहीं किसी किसी सिटी में जो ओला S1 X 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला मॉडल है उसकी 75,000 रुपीज प्राइस है, जबकि कहीं कहीं इसकी 70,000 रुपीज है। तो यहाँ पर इसकी प्राइस काफी बार अगर आप देखेंगे तो चेंज नहीं होती। वो जो 50,000 रुपीज वाला है वो पता नहीं किस किस को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट ले लेते हैं, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में कब लॉन्च होगा। तो यहाँ पर रिवर इंडी के लिए पूछा जा रहा है। रिवर इंडी यहाँ पर अभी नॉर्थ साइड में बिल्कुल भी नहीं आया है। ये जो अपने स्कूटर है ये सिर्फ बैंगलोर साइड में ही सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट ले लेते हैं, चेतक ईवी इज बेस्ट, सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो जितने भी चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के कस्टमर है वो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको इसकी सर्विस कैसी लगती है और जो इसमें रेंज वगैरह शो करता है वो एक्यूरेट आती है या नहीं आती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट ले लेते हैं, सर्विस चार्जर लेना शुरू कर दिया है और वो भी बहुत ज्यादा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओला ने काफी ज्यादा सर्विस चार्ज हैंडलिंग चार्ज वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया है, जो कि सच में इसके स्कूटर की जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कमेंट ले लेते हैं, दिस इज राइट डिसीजन टू बाय चेतक फ्रॉम अमेजन, प्लीज सजेस्ट। तो भाई बिल्कुल सही है, चेतक आप ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेजन पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जो सेल वगैरह है वो तो जा चुकी है, बट अभी भी आपको कुछ ना कुछ ऑफर वगैरह डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट कमेंट ले लेते हैं, भाई सस्ता देकर तुम्हें मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट चिपका दिया जाएगा, उसका बाद में फिर तुम EMI भरना, सारा काम धाम छोड़कर सर्विस सेंटर के चक्कर लगाते रहना। तो बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर यही काम होने वाला है। ओला के स्कूटर जब भी आप लेंगे तो प्रॉब्लम तो यहाँ पर ओला स्कूटर में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये हो गए दोस्तों इस हफ्ते की आपके पूछे गए सवाल और ईवी न्यूज। होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर से अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड।